नमस्कार दोस्तों, मैं निहार देवनाथ आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने अपने वाटर कलर टेक्निक्स को डिटेल में समझाने की कोशिश किया है। आशा करता हूँ कि आपको इससे थोड़ी बहुत मदद तो जरूर मिलेगी, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आपको वाटर कलर करने में दिक्कत आ रही है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इसे बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक और कमेंट्स जरूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटे को दबाना मत भूलिएगा। तो फिर चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पेंटिंग के जो मूल स्तंभ होते हैं वो है लाइन, कलर, टोन और टेक्सचर। इसमें जो लाइन्स हैं, लाइन्स को हम लोग कैसे इम्प्रूव करते हैं उसके बारे में मैंने कुछ वीडियोस इस चैनल पे पहले से डाल रखे हैं, आप चाहे तो उन्हें आप देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। उसके बाद आता है कलर। दोस्तों, कलर्स को तो हम लोग थोड़ा बहुत जानते ही हैं, मिक्सिंग वगैरह भी थोड़ा बहुत कर ही लेते हैं। अगर आपको मिक्सिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर दिक्कत आता है, तो आप ज़रूर कमेंट्स कीजिए, मैं उसके ऊपर भी वीडियोस डाल रहा हूँ। आज हम लोग बात करेंगे टोन और टेक्सचर के ऊपर, कैसे किसी भी टोन को हम लोग अचीव करते हैं, कोई डार्क टोन हो, मिडिल टोन हो, जो भी कोई टोन हो। विशेष करके आज हम लोग वाटर कलर से ही इसे सीखेंगे कि हम लोग किसी भी टोन को कैसे अचीव कर पाएंगे, और उन टोन्स के माध्यम से हम लोग डिफरेंट तरह के टेक्सचर हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं उसे भी हम लोग आज जानेंगे। तो फिर चलिए देखते हैं कि कैसे किसी भी टोन को हम लोग अचीव कर पाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग पानी ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग वेरिएंट ह्यू कलर लेके उसमें पानी के साथ अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। दोस्तों, कलर्स को अच्छी तरीके से मिलाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर कलर्स अच्छी तरीके से नहीं मिलेंगे तो आपको कुछ रिंकल्स देखने को मिल सकते हैं। इस तरीके से किस टोन को, जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट टोन दिया है, उसके बाद हम लोगों ने उसके ऊपर थोड़ा और पानी ऐड करके, जितना हम लोग पानी ऐड करते जाएंगे हम लोग का जो कलर्स है वो लाइट टोन की तरफ बढ़ता जाएगा। आप देख रहे हैं कि जितना मैं उसमें पानी ऐड कर रहा हूँ उतना ही वो लाइट टोन की तरफ दिखाई दे रहा है आपको। इस तरीके से हम लोग डार्क से धीरे धीरे जितना पानी मिलाते जाएंगे उतना ही हम लोग का लाइट टोन अचीव होता जाएगा। दोस्तों, आप हमेशा पानी के लिए दो पॉट का इस्तेमाल कीजिए ताकि आपका जो ब्रश है वो सही से साफ हो सके। जब भी आपके ब्रश में ज़्यादा कलर्स रहते हैं तो आप जिसमें ज़्यादा गंदा पानी है उसमें आप पहले डुबो लेंगे, उसके बाद उसको अच्छी तरीके से साफ करने के लिए जिसमें कम कलर्स हैं उसमें आप डुबो लेंगे, इससे आपको वाइब्रेंट कलर मिल जाएंगे। दोस्तों, जब कभी भी हमें कोई ग्रेडियंट कलर अचीव करना हो, यानी कि कोई कलर डार्क से लाइट की तरफ हो, तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले एक डार्क टोन बनाएंगे और उसे अप्लाई करने के बाद हम लोग उसके साथ थोड़ा पानी मिला के उसके नीचे हम लोग कर सकते हैं उसी के साथ, और या फिर हम लोग उसमें सीधे पानी का अप्लाई करके उस कलर को जिधर हम लोग को लाइट की तरफ जाना है हम लोग उधर मिला सकते हैं, या फिर आप जब कलर वेट होता है उसके ऊपर आप अपने आवश्यकता अनुसार आप उसमें कलर्स मिला सकते हैं और उसे ब्लेंड कर सकते हैं धीरे धीरे, ताकि आपके आवश्यकता अनुसार आपका जो टोन है वो अचीव हो पाए। दोस्तों, जब कभी हमें बड़े एरियाज़ को फिल करना होता है तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग जितना बड़ा हो सके लार्ज ब्रश का यूज़ करेंगे, जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ और उसे एक टोन में कंप्लीट कर रहा हूँ। अभी हम लोग क्या करेंगे कि इसमें और एक कलर ऐड करेंगे, तो क्या ये जो कलर्स हम लोग दूसरा कलर इसके साथ मिलाने जा रहे हैं, ये ध्यान में रखना होगा कि वो कलर जो हमने अभी किया वो गीले होने चाहिए ताकि वो दोनों कलर्स आपस में अच्छी तरीके से मिल सकें। अभी हम लोग देखेंगे कि जब कभी भी हमें दो टोन के बीच कॉन्ट्रास्ट रखना होता है, यानी कि दोनों कलर एक दूसरे से अलग लगे, उन दोनों के बीच कोई ब्लेंडिंग इफेक्ट ना हो, तो हम किस तरीके से करते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक लाइट टोन का इस्तेमाल किया है, इस लाइट टोन को हम लोग सूखने तक इंतज़ार करेंगे, यानी कि जब जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये अभी सूख चुका है, उसके बाद हम लोग उसके ऊपर या फिर उसके पास हम लोग दूसरा टोन
यूज़ कर सकते हैं ताकि वो दो कलर्स आपस में मिल ना सके, जिस तरह जिस वजह से हम लोगों को दोनों के बीच एक कॉन्ट्रास्ट दिखाई देता है, एक लाइन दिखाई देता है दो कलर्स के बीच। ठीक है, इन कलर्स को हम लोग अगर एक टोन के ऊपर भी हम लोग दूसरा टोन यूज़ कर सकते हैं। अगर सेम हम लोगों को वो इफ़ेक्ट चाहिए तो उसको भी हम लोग सूखने के बाद ही दूसरा लेयर हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वाटर कलर ट्रांसपेरेंट कलर होता है। इस वजह से जब हम लोग एक लाइट टोन का जो लेयर होता है उसके ऊपर अगर दूसरा लेयर हम लोग चढ़ाते हैं वो कलर देखने में भी सुंदर लगते हैं और हम लोग को जो इफ़ेक्ट मिलता है, जो कलर्स मिलता है वो बहुत खूबसूरत होता है। और अभी हम लोग देखेंगे कि हम लोग के पेपर में जब हम लोग का गीला सरफेस रहता है, यानी कि पेपर गीला होता है, एक लाइट टोन दिया हुआ रहता है, उसके ऊपर जब हम लोग एक दूसरा टोन, एक डार्क टोन हो या फिर लाइट टोन हो, जब हम डालते हैं तो आपस में ब्लेंड होने लगते हैं, यानी कि मिलने लगते हैं। इस ब्लेंडिंग को हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि हम लोग का जो वाटर है उसे हम लोग को कंट्रोल करना आना चाहिए। अगर पानी ज़्यादा रहेगा, जैसा कि अभी आपने देखा कि मैंने यहाँ पर ज़्यादा गीला करके रखा है, इस पर अगर मैं अभी कलर डालूँगा तो ये बहुत ज़्यादा ही ब्लेंड हो जाएगा, इतना ब्लेंड हो जाएगा कि ये आपको दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। ये छोटी जगह में मैंने ज़्यादा पानी डाल के रखा है तो दोनों कलर्स आपस में मिल जाएंगे, इसमें कोई ब्लेंडिंग इफेक्ट उतनी अच्छी तरीके से हम लोग को नहीं मिलेंगे। यहीं पर का जो फर्स्ट लेयर है उसे हम लोग अगर हल्का रखते हैं, यानी कि उसमें जो एक्सेस वाटर है उसे हम लोग निकाल लेते हैं, उसके बाद उसके ऊपर अगर हम लोग ब्रश में भी उतना ही कलर्स ले जितना हम लोग को पेपर में लगाने के लिए चाहिए, उसके जो ब्लेंडिंग इफेक्ट है उसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि अभी आप लोग देख रहे हैं कि मैं जो कलर्स है वो ब्रश में उतना ज़्यादा कलर्स मैं नहीं रख रहा हूँ, और यहाँ पर जो हम लोगों को फिनिशिंग मिलेगा वो बहुत ही स्मूथ मिलेगा, वो हल्का सा ब्लेंड होता हुआ नज़र आ रहा है आप लोगों को। दोस्तों, इसे और भी अच्छी तरीके से समझने के लिए हम लोग सरफेस के ऊपर पानी से भिगो लेते हैं, सरफेस को पानी से भिगो लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसके ऊपर कलर्स अप्लाई करके देखेंगे कि हम लोग जो स्प्रेड होता है जो कलर उसे हम लोग कैसे कंट्रोल कर सके। इसके लिए हम लोग को कुछ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है ताकि हम लोग ये पहचान पाए कि कितना पानी होने पर वो कितना फैलता है, इसे हम लोग को कंट्रोल करना आ जाए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने पहले जो कलर्स ऊपर जो कलर्स हमने डाले वो नीचे की तरफ फैलता हुआ आ रहा है, क्योंकि मेरा जो बोर्ड है, मैं जिस बोर्ड के ऊपर अभी कर रहा हूँ वो मैंने लगभग 15 से 20 डिग्री के एंगल में सेट किया हुआ है। मेरा जो ईजल है उसके ऊपर मैंने इसे सेट करके रखा हुआ है ताकि मेरे जो कलर्स है वो ऊपर से नीचे की तरफ फैलता हुआ आए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे जो कलर्स है वो ऊपर से नीचे की तरफ स्प्रेड होते हुए नीचे की तरफ गिर रहे हैं। दोस्तों, हम लोग का जो कलर्स है, जितना उन कलर्स में जितना पानी होगा, हम लोग का जो पेपर है वो पेपर कितना पानी सोख रहा है और उस वो कितना गीला है उसके ऊपर हम लोग का डिपेंड करता है कि हम लोग का जो कलर है वो कितना फैलेगा। इसी चीज़ को हम लोगों को कंट्रोल करना है कि आप देख रहे हैं कि ऊपर के जो कलर्स हैं वो ज़्यादा नीचे की तरफ आए हैं और नीचे मैंने जो येलो कलर डाला था वो ऊपर उतना नहीं जा पाया। दोस्तों, कभी कभार हम लोग ऐसी जगह को पेंट कर देते हैं जहाँ हम लोग को नहीं करना चाहिए था, या फिर कुछ इफ़ेक्ट हम लोग को चाहिए था जो डार्क जगह है उसको करने के लिए, जब हम लोग का पेपर वेट रहे तभी हम लोग एक सूखे ब्रश से, यानी कि हम लोग का जो ब्रश है वो सूखा होना चाहिए, पानी से भिगोने के बाद उसे हम लोग हाथ से निचोड़ लेते हैं साफ पानी से, उसके बाद हम लोग इसकी सहायता से गीले सरफेस के ऊपर से कलर्स को हटा सकते हैं और हम लोग का जो इफ़ेक्ट चाहिए वो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो क्लाउड के इफ़ेक्ट हो या फिर मून दिखाना हो या कुछ भी हो। हम लोग इसे जैसा हम लोग ब्रश से कर रहे हैं ऐसा हम लोग टिशू से भी कर सकते हैं। दोस्तों, जितना हम लोगों ने इस वीडियो में देखा कि हम लोगों को अगर कोई भी टेक्सचर क्रिएट करना हो वाटर कलर से तो हम लोगों को पानी कंट्रोल करना आना चाहिए, यानी कि हम लोग को यह ध्यान रखना चाहिए कि कितना पानी
पेपर में है, हम लोग कितना ब्रश में दे रहे हैं अप्लाई करने के लिए, इसे और भी अच्छी तरीके से समझने के लिए। जैसा कि हम लोग पेड़ पौधे वगैरह करते हैं दूर की चीज़ों को करने के लिए, हम लोग यहाँ पर उसी तरीके का एक इफ़ेक्ट हम लोग क्रिएट करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पहले सबसे पहले मैंने एक लेमन येलो का हल्का सा लेयर मैंने डाला है, उसके बाद उसके ऊपर हम लोग शेव क्रीम का ही एक उससे थोड़ा डार्क टोन हम लोग उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, और ये देख रहे हैं कि आप ये धीरे धीरे वो फैल रहा है। यानी कि हम लोग उसमें अगर ज़्यादा पानी रख दिए होते पेपर पे तो वो ज़्यादा फैलता। हम लोग को ये प्रैक्टिस करना चाहिए, जितना हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हम लोगों का जो स्किल है वो डेवलप होता जाएगा। दोस्तों, कला एक साधना की चीज़ है, आप इसकी जितनी साधना करेंगे आप उसमें उतना ही माहिर होते जाएंगे। मैं आपको सिर्फ गाइड कर रहा हूँ कि आपको किस तरीके से प्रैक्टिस करना है। जैसा कि मैंने अभी दिखाया कि जो कलर्स हैं वो धीरे धीरे फैल रहे हैं, उसी को हम लोगों को कंट्रोल करना चाहिए। जब आप सजाग रहेंगे कि मेरे पेपर पे इतना पानी है तो मैं जो कलर्स डालूँगा वो इतना गाढ़ा होना चाहिए कि पतला होना चाहिए या फिर उतना डार्क होना चाहिए। ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि जब भी हमें कोई ग्रेडियंट टाइप का कलर एक डार्क से लाइट की तरफ जाता है तो उसमें हम लोग जितना डार्क कलर हम लोग यूज़ करेंगे उतना उसमें स्मूथनेस आएगा। अगर डार्क कलर के ऊपर हम लोग कोई लाइट कलर या फिर सिर्फ पानी का छिड़काव करते हैं या फिर कुछ भी करते हैं तो उसका इफ़ेक्ट कुछ अलग ही बन जाता है। दोस्तों, ब्रश से एक्सेस वाटर को सोखने के लिए हम लोग एक टॉवल या फिर टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम लोग का जो ब्रश में एक्सेस वाटर है उसे हम लोग साफ कर सकें। अभी हम लोग एक टेक्सचर क्रिएट करेंगे। अब तक हम लोगों ने जो कुछ भी सीखा उन चीज़ों को मिला के हम लोग एक टेक्सचर क्रिएट करेंगे जहाँ पर हम लोग कहीं पर ज़्यादा पानी यूज़ करते हैं, कहीं पर कम पानी का इस्तेमाल करते हैं, कहीं कहीं पर हम लोग जो उन लोगों का जो कलर है उसके साथ जो पेपर पे जो कलर्स हम लोगों ने डाले हैं उसको हम लोग पानी से धीरे से उसे मिला के एक अलग टेक्सचर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं हम लोग डिफरेंट तरह के कलर जो इफ़ेक्ट्स हम लोग लाएंगे अपने पेंटिंग्स में उसे हम लोग इन्हीं चीज़ों का ख्याल रखते हुए, कहीं पर कलर्स हम लोगों को डार्क रखना है, कहीं पर लाइट रखना है, कहीं पर ज़्यादा स्प्रेड करना होता है, कहीं पर हम लोगों को कम स्प्रेड करना होता है, तो जहाँ पर हम लोगों का पानी ज़्यादा रहेगा वहाँ पर हम लोगों का स्प्रेड ज़्यादा होगा कलर्स, जहाँ पर हम लोगों को कम रखना होगा स्प्रेडिबिलिटी वहाँ पर हम लोगों का कलर पानी कम होगा। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग डिफरेंट कलर हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। अगर कोई कलर हम लोगों ने कोई एक कलर्स डाल रखे हैं उसके ऊपर दूसरा कलर हम लोग मिक्सिंग करना चाहते हैं तो उसे भी हम लोगों को गीले में ही करना पड़ेगा, तभी वो अच्छी तरीके से मिल भी जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि इस टेक्सचर को हम लोग कैसे करते हैं और डिफरेंट तरह के टेक्सचर हम लोग इसी माध्यम से कर सकते हैं। अभी हम लोग एक अलग टेक्सचर क्रिएट करने के लिए हम लोग का जो ब्रश है उसे टॉवल से सोख लेते हैं, उसके बाद उसमें कलर्स लेते वक्त हम अपने ब्रश के जो हेयर है उसे स्प्रेड आउट कर लेते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि उसके हेयर आपस में जुड़े नहीं हुए हैं। इसका इस्तेमाल करके आप इससे एक साथ बहुत सारे पतले पतले लाइंस आप खींच सकते हैं, जिससे कि आप कहीं पर ग्रास या फिर हेयर का भी ड्रॉ इस टेक्निक्स के साथ आप कर सकते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर ग्रास का इफ़ेक्ट ला रहे हैं, मुझे यहाँ पर ब्रश साइज थोड़ा और बड़ा रखना था तब ये ग्रास और बेहतर बनता, बात नहीं हम लोग कुछ पतले लाइंस के द्वारा इसे हम लोग जस्टिफाई तो कर ही सकते हैं। अभी हम लोग एक अलग टेक्सचर क्रिएट करेंगे जिसके लिए सबसे पहले पूरे सरफेस को हम लोग ब्लू कलर से कवर कर लेते हैं, उसके बाद गीले सरफेस के ऊपर ही हम लोग उसमें थोड़ा सा नमक का छिड़काव करके एक इफ़ेक्ट क्रिएट कर सकते हैं या फिर हम लोग पानी का छिड़काव कर सकते हैं एक ब्रश की मदद से, जिससे एक बहुत ही खूबसूरत सा इफ़ेक्ट बन के तैयार होता है
जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है या फिर आपके लिए थोड़ा भी मददगार साबित होता है तो इसे लाइक और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को दबाना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।